हेलो एवरीवन दिस इज डॉक्टर अंजलि वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आज की क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन पार्ट थ्री एंड वी विल डू द टॉपिक न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन इज वेरी इंटरेस्टिंग आप उसको डेली प्रैक्टिकल लाइफ से कंपेयर कर सकते हो अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन न्यूटन ने क्या बोला एवरी एक्शन हैज़ अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन मतलब कोई भी एक्शन लगेगा कोई भी एक्शन फोर्स होगा इसका इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स होगा क्या मतलब है इसका मान लीजिए आप वॉक करना स्टार्ट करते हैं ठीक है तो जब आप चल रहे हैं तो आप किस पे फोर्स लगा रहे हैं आप सरफेस पे फोर्स लगा रहे हैं जो आपका फोर्स है वो सरफेस पे लग रहा है ठीक है किस पे लग रहा है सरफेस पे तो मतलब सरफेस भी आप पर फोर्स लगाती है क्या यस yes, एग्जैक्टली exactly ऐसा होता है यही तो है न्यूटन का थर्ड लॉ एवरी एक्शन हैज़ एंड रिएक्शन। हमने चला तो हम चल रहे हैं हैं तो हम क्या कर रहे सरफेस पे कौन सा फोर्स लगा रहे हैं फ्रिक्शनल फोर्स लगा रहे हैं और सरफेस क्या लगा रही है हमारी बॉडी पे रिएक्शन फोर्स लगा रही है तो हमने सरफेस पे लगाया एक्शन एंड सरफेस ने हमारी बॉडी पे लगाया रिएक्शन एवरी एक्शन फोर्स हैज हैजक्ल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स ओके और ये दोनों क्या है साथ साथ में चलते रहते हैं ओके okay? तो जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट फोर्स अप्लाई करता है जैसे आपने चलना पहले शुरू किया तो उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं एक्शन फोर्स द फोर्स अप्लाइड बाय फर्स्ट ऑब्जेक्ट जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट के थ्रू फोर्स लगता है उसे एक्शन फोर्स बोलते हैं और जो सेकंड ऑब्जेक्ट के थ्रू जैसे सरफेस ने जो आपके ऊपर लगाया आप जो सरफेस के ऊपर लगा रहे हो वो एक्शन फोर्स है और जो सरफेस आपके ऊपर लगा रही है वो रिएक्शन फोर्स है द फोर्स अप्लाइड बाय द सेकेंड ऑब्जेक्ट ऑन द फर्स्ट इज कॉल्ड रिएक्शन फोर्स ओके तो अभी हमने समझा कि एग्जैक्टली न्यूटन थर्ड लॉ होता क्या है बहुत सिंपल सा है एवरी एक्शन फोर्स हैज अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन और दोनों की दोनों फोर्स अलग अलग बॉडीज पे लगते हैं ओके okay? अगर आप सरफेस पे लगा रहे हो तो सरफेस भी आपकी बॉडी पे लगाएगी जो फर्स्ट फोर्स होता है जो आप लगा रहे हो दैट इज एक्शन जो अपोजिट रिटर्न में आ रहा है दैट इज रिएक्शन फोर्स ओके

एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स क्या करेंगे साथ साथ में ही चलते जाते हैं अच्छा एक्शन और रिएक्शन फोर्स दोनों इक्वल है दोनों इक्वल है आप जितना एक्शन लगा रहे हो आपको उतना ही रिएक्शन मिल रहा है तो ऐसा तो नहीं होता कि ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं भाई आप सरफेस पे फोर्स लगा रहे हो मैंने बोला कि आपने सरफेस पे फोर्स लगाया तो सरफेस भी तो आपके ऊपर फोर्स लगा रही है फिर तो आप मूव ही नहीं करने चाहिए जितना एक्शन हो रहा है उतना रिएक्शन हो रहा है तो हमें आउटपुट कैसे मिलता है बेटा आउटपुट तो डैम श्योर हंड्रेड मिलता है क्योंकि दोनों फोर्सेस अलग अलग बॉडी पे लगते हैं आपके पैरों ने सरफेस पे लगाया एंड सरफेस ने आपकी बॉडी पे लगाया तो एक्शन किस पे हो रहा है अगर हम एक्शन देखते हैं तो एक्शन हुआ सरफेस पे और जो रिएक्शन है वो हुआ आपकी बॉडी पे तो दो अलग अलग बॉडीज है ना इसीलिए एक्शन और रिएक्शन फोर्स दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करते हैं एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स एक्ट ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट कैन नॉट कैंसिल ईच अदर दोनों सेम ऑब्जेक्ट पे नहीं लग रहे हैं इसलिए एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करते हैं तो ये पढ़ा हमने न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन अब एक बार हम फर्स्ट सेकेंड थर्ड लॉ मोशन का रिवाइज करते हैं कि तीनों मोशन यूज कहाँ आते हैं क्योंकि स्टार्टिंग में फर्स्ट क्लास में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि जो बेटा न्यूटन लॉ ऑफ मोशन होता है फोर्स और मोशन के रिलेशन को बताता है अब इसको हम थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो अपना मोशन जब तक चेंज नहीं करेगा जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है द फर्स्ट लॉ सेज एन ऑब्जेक्ट विल नॉट चेंज इट्स मोशन ऑब्जेक्ट है वो अपना मोशन तब तक चेंज नहीं करेगा अ फोर्स इट जब तक उस पर कोई फोर्स नहीं लगता है

करते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इसका के अंदर एग्जैक्टली exactly हमें क्या पढ़ना है इसके अंदर हमें यह पढ़ना है कि बेटा जो मोमेंटम है ना बॉडी का वो चेंज नहीं होता है ठीक है चाहे आपने फोर्स नहीं लगाया है आप चाहे फोर्स लगा दो ठीक है फोर्स लगने से पहले और फोर्स लगने के बाद भी जो बॉडी का मोमेंटम है वो आपको सेम मिलेगा ओके okay? तो इसी को हमने बोला है कि जो टोटल फाइनल मोमेंटम है वो हमेशा क्या रहता है सेम रहता है टोटल इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम सेम रहता है द मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल इनिशियल मोमेंटम। अब इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं मान लीजिए यहां पे कोई दो बॉडी है ठीक है एक एम ए और एक एम ई अभी क्या हुआ इनमें कॉलोइन नहीं हुआ है मतलब ये टकराने वाली है बॉल दोनों पास पास में ना कभी भी टकरा सकते हैं तो अगर हम इसको से पहले देखें तो इसका मोमेंटम क्या होगा तो यहाँ पे फर्स्ट बॉडी है जिसका मास एम ए है बॉडी है जिसका मास एम बी है अब पे दोनों का मोमेंटम कितना तो दोनों बॉडीज का मोमेंटम अलग है इसका मोमेंटम एम ए यू ए है इसका मोमेंटम सेकेंड बॉडी का एम बी यू बी है अगर दोनों की वेलोसिटी सेम है तो केवल यू हो जाएगा बट यहाँ पे दोनों की वेलोसिटी अलग अलग है तो हमने यू ए एंड यू

कॉलोइज़न के बाद वेलोसिटी अगेन चेंज हो गई है बट इनका जो मोमेंटम है वो क्या है सेम रहेगा अब हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं तो बिफोर कॉलोइजन मोमेंटम कितना है एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी और आफ्टर कॉलोइजन मोमेंटम कितना है एम ए वी ए प्लस एम बी एम बी वी बी कॉलोइजन so, से पहले कॉलोइन के बाद जो बॉडी का मोमेंटम है वो क्या रहता है बिल्कुल सेम रहता है यही हमें यहां पर प्रूव करना है वेन नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन द इंट्रैक्टिंग ऑब्जेक्ट जब तक यहाँ पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है जो टोटल मोमेंटम है वो बिल्कुल सेम रहता है वो चेंज नहीं होता है तो नाउ यू कैन से वेन टू ऑब्जेक्ट कोलाइट जैसे ही दो ऑब्जेक्ट कोलाइट करते हैं द टोटल मोमेंटम बिफोर कॉलोइजन इज इक्वल टू द टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलोइजन अब इसी को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं देन इसके बाद हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे तो so, सबसे पहले मान लेते हैं हमने कोई ऑब्जेक्ट लिया ए जिसका मास कितना है m1 है और इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है u1 है इसके बाद हमने एक सेकंड ऑब्जेक्ट लिया जिसका मास कितना है m2 है एंड देन इसका जो वेलोसिटी है वो क्या है u2 है ठीक है तो ये हमने ले लिया इनिशियल मोमेंटम बॉडी का कोई ऑब्जेक्ट अब अगर हम इसका मोमेंटम कैलकुलेट करें तो कितना हो गया m1 u1 बी बॉडी का कितना हो गया एम टू यू टू ओके अब हम आते हैं ये दोनों ऑब्जेक्ट है कोलाइड करते हैं अब इसको मैथमेटिकली कर रहे हैं प्रूफ करेंगे हम एक्जैक्टली ठीक है जो हमने अभी तक पढ़ा है उसी को प्रूफ करते हैं क्लियर कट है तो ये तो था बिफोर कॉलोइजन अब हम आते हैं आफ्टर कॉलोइजन तो आफ्टर कॉलोइजन बॉडी का मास चेंज होगा क्या मास बिल्कुल तो सेम रहेगा चेंज क्या हो रही है वैलोसिटी इसकी वैलोसिटी हो गई वी वन इसकी वैलोसिटी हो गई वी टू ओके अब यहां पर अगर हम मोमेंटम देखें तो फर्स्ट बॉडी का हो गया एम वन वी वन और ये हो गया एम टू ये कब है आफ्टर कॉलोजन ओके तो ये तो हमने यहाँ पे मोमेंटम तक के इक्वेशन लिख ली ठीक है और यही आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किया है अब अगर हम यहाँ पर देखा जाए कि जो मोमेंटम है बिफोर कॉलोजन और आफ्टर कॉलोजन दोनों सेम रहता है ये हम यहाँ पे प्रूव करेंगे बट नाउ वी विल टॉक अबाउट फोर्स ठीक है तो देखो दोनों का जो फोर्स है वो तो अपोजिट डायरेक्शन में होगा मतलब दोनों फोर्स इक्वल होंगे जो टकराने से पहले F1 है और टकराने के बाद F2 है तो दोनों बॉडी के फोर्स इक्वल होंगे बट डायरेक्शन क्या होगी चेंज हो जाएगी जैसे ये दोनों बॉल है ये आके टकराई ठीक है तो दोनों की डायरेक्शन चेंज होगी कि नहीं होगी ऑफकोर्स होगी इसीलिए यहाँ पे फोर्स पे माइनस का साइन लगाया है अब हम यहाँ पर लिखना स्टार्ट करते हैं ठीक है तो जब अगर हम सबसे पहले फर्स्ट बॉडी के लिए लिखे एफ वन लिखते हैं तो ये कितना होगा बेटा यहाँ पर एज यू कैन से एम वन यू वन प्लस एम टू यू टू एफ टू कितना होगा एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू यही हमें यहाँ पे प्रूफ करना था अब इसको हम दूसरे तरीके से समझ सकते हैं किस तरीके से कि अगर हम यहाँ पे फोर्स का फॉर्मूला लिखते हैं तो फर्स्ट बॉडी के लिए कितना हो गया एम वन ए वन मास इन टू एसेलरेशन सेकेंड बॉडी के लिए कितना हो गया मास इन टू एसेलरेशन एम टू ए टू अब एसेलरेशन क्या होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम तो ये हो गया एम वन एक्सलेशन क्या है चेंज इन वेलोसिटी तो ये हो गया वी वन माइनस यू वन अपॉन टी और यहां पे कितना हो गया माइनस का एम टू चेंज इन वेलोसिटी तो मतलब वी टू माइनस वी वन अपॉन टी वी टू एम सो सॉरी बेटा यहाँ पे क्या होगा वी टू माइनस यू टू फाइनल माइनस इनिशियल है ना तो वी इज फाइनल एंड यू इज इनिशियल यू टू अपॉइंटी क्लियर कट है एक क्वेश्चन लिख ली अब हम आगे सॉल्व करते हैं इसे तो नाउ यू कैन से ये टी से टी तो कैंसिल आउट हो जाएगा इधर हुआ एम वन वी वन यहां पर आया एम वन यू वन ओके माइनस का साइन इक्वल माइनस एम टू वी टू ठीक है इन द सेम वे ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये हो गया एम टू यू टू ओके अब जो लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाना है राइट हैंड साइड में लेके जाना है लेके चलते हैं अब आप ये देखिए कि जो एम वन यू वन यहां पर माइनस में है लेफ्ट हैंड साइड में तो हम इसे क्या करते हैं राइट हैंड साइड में लेके जाते हैं तो ये हो गया एम टू यू टू प्लस एम वन यू वन लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में गया प्लस में आ गया यहाँ पे एम वन वी वन प्लस में है एंड ये एम टू वी टू माइनस में लेफ्ट हैंड साइड में आया तो प्लस हो गया तो एम टू वी टू ओके तो यही हमें प्रूफ करना था इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम एम वन यू वन प्लस एम टू u2 equal to plus दोनों की दोनों equal हो गए को यहाँ पे mathematically हम लोगों ने समझ समझ लिया अच्छे से तो I hope so आपको conservation of momentum समझ आ गया होगा और अगर अभी नहीं भी आया है तो अगर आप ये न्यूमेरिकल्स करेंगे तो एम डैम श्योर आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगे तो स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर नाइन पॉइंट सिक्स के साथ अब बुलेट ऑफ मास ट्वेंटी ग्राम कोई बुलेट है जिसका मास कितना है 20 ग्राम है ओके okay? उसको क्या किया हॉरिजॉन्टली हमने फायर किया किस वालोसिटी के साथ 150 मीटर पर सेकंड के साथ फ्रॉम पिस्टल ऑफ मास के जी ओके तो यहां पे दो मास हो गए सबसे पहले एक बुलेट है जिसका मास कितना है 20 ग्राम है और उसको हमने कैसे फायर किया है 150 मीटर पर सेकंड के साथ फायर किया है तो मतलब उसकी स्टार्टिंग में कोई वेलोसिटी थी स्टार्टिंग में तो कोई वेलोसिटी नहीं थी जब फायर किया है उसके बाद वेलोसिटी आई है तो बेटा उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई जीरो हो गई फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई 150 मीटर पर सेकंड हो गई और जो पिस्टल है उसका कितना मास है तो देखिए दो चीजें हैं एक तो ये पिस्टल है ठीक है ये न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि एक छोटी सी जो बुलेट है ठीक है अगर आप बुलेट को देखते हैं सॉरी बुलेट का साइज जो बुलेट होती है छोटी सी बुलेट है वो पिस्टल की कंपैरेटिवली बहुत छोटी होती है बट वो कितना डिस्टेंस कवर कर लेती है क्यों क्योंकि उसके ऊपर पिस्टन की वैलोसिटी लगती है ना पिस्टन की वैलोसिटी लिखती है तो एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन आप पिस्टल पीछे की डायरेक्शन में घुमाते हो अपोजिट डायरेक्शन में घुमाते हो तो जो बुलेट है वो आगे की डायरेक्शन में जाती है आपने पिस्टल पे बैकवर्ड डायरेक्शन में जितना फोर्स लगाया है वो उतना ही आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है तो यहां से हो गया एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन तो इसी तरीके से यहाँ पे दो मासज है एक तो किसका मास है बुलेट का मास है इनिशियल वैलोसिटी जीरो है फाइनल वैलोसिटी कितनी मिली वन मीटर पर सेकेंड ओके अब आगे ये पूछा है कि ये जो वेलोसिटी है ये वैलोसिटी किसकी है बेटा यहाँ पर से पहले तो हमें यह देखना है बुलेट की क्यों क्योंकि बुलेट को फायर किया है 150 से. तो ये हमने लिखा बुलेट की कितना है? 2 है. अब हम यहां पे इनको अलग अलग लेके चलते हैं सबसे पहले हमने टू वन इज बुलेट टू इसको साइड में लाइन ड्रॉ कर लेते हैं एंड द सेकेंड वन इज पिस्टल ओके okay, तो अगर हम देखें सबसे पहले मास का तो जो बुलेट का मास है, है? है. इनिशियल पिस्टल पिस्टल तो अगर हम यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी देखें तो बुलेट की क्या होगी बेटा जीरो होगी बुलेट की क्या है जीरो है और उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी मिल रही है इनिशियल तो जीरो होगी फिर जैसे ही उसकी वेलोसिटी मिली कितनी मिली वन फिफ्टी मीटर पर सेकेंड इन द सेम वे अगर हम पिस्टल की भी इनिशियल वेलोसिटी देखें तो क्या होगी जीरो होगी ना इनिशियल तो जीरो ही होगी और फाइनल वैलोसिटी कितनी हो गई उसकी पिस्टल की तो फाइनल वैलोसिटी इसने बोला है वो आपको कैलकुलेट करना है तो एज यू कैन सी व्हाट इज द रिकॉइल वैलोसिटी ऑफ द पिस्टल अब इस टाइप के क्वेश्चन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से क्योंकि जो इसका इनिशियल मोमेंटम है और फाइनल मोमेंटम है वो तो सेम रहेगा तो एग्जैक्टली वी वन यू यूज दिस फॉर्मूला एम वन यू वन एम टू यू टू प्लस एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू अब इसे हमें दोनों को तो बहुत दिमाग से करना पड़ेगा कैसे बेटा क्योंकि देखिए यहाँ पे एम वन यू वन है प्लस एम टू यू टू है तो अगर हम दोनों की वैलोसिटी देखें चाहे बुलेट की चाहे पिस्टल की तो दोनों की वैलोसिटी जीरो है तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं ठीक है जैसे ही बुलेट फायर हुई उससे पहले तो हम सॉल्व करेंगे एम वन यू वन प्लस एम टू यू टू ठीक है इसको सॉल्व करते हैं तो एम वन इज ट्वेंटी ग्राम तो ये हो गया ट्वेंटी इन द सेम वे यू इज जीरो दे रखी है यहाँ पे टू के जी और उसकी भी इनिशियल वैलोसिटी क्या है जीरो तो ओवरऑल बिफोर कॉलोइजन जो ये सॉरी नॉट कॉलोइन जैसे ही पिस्टल स्टार्ट हुई है उससे पहले तो जो मोमेंटम है वो कितना आ गया जीरो आ गया ओके okay? अब हम आते हैं आफ्टर जैसे ही पिस्टल चली वैसे ही उसका कितना हुआ तो अब फार्मूला हुआ एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू अब वैल्यू स्पुटअप करें एम वन कितना है ट्वेंटी ग्राम तो ये हो गया ट्वेंटी बाय थाउजेंड एंड इसके बाद वी वन कितना है बेटा वी वन क्या हुआ बुलेट का तो बुलेट का मास ले लिया एंड बुलेट की वेलोसिटी कितनी है 150. इसके बाद M2 पिस्टल का मास कितना है 2 kg, और पिस्टल की जो वेलोसिटी है है, है है, इसी को हमें क्या करना है? करना कैलकुलेट तो इसको इसको हमने V2 ले लिया, अब हम इसको कैसे सॉल्व तो तो पूरा इक्वेशन पूरा जीरो, जीरो से जीरो कैंसिल आउट हुआ थर्टी थर्टी बाई टेन तो कितना मिला थ्री थ्री प्लस टू वी टू इक्वल टू जीरो क्योंकि हमें यही इक्वेशन यूज करनी है एम वन यू वन प्लस एम टू यू टू इक्वल टू एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू हमने क्या किया इसको सॉल्व किया हमें बिल्कुल जीरो मिलता है इधर ये इक्वेशन मिलती है तो हमने थ्री प्लस टू वी टू इक्वल टू जीरो कर दिया ये फिफ्टीन टू ज थर्टी हुआ ना बेटा थर्टीन बाय टेन तो कितना हुआ थ्री बचा थ्री प्लस टू वी टू इक्वल टू जीरो अब यहाँ पर आगे सॉल्व करते हैं तो ये टू वी टू कितना हुआ बेटा इक्वल टू माइनस का थ्री ओके माइनस का थ्री क्योंकि इधर थ्री प्लस में है राइट हैंड साइड में गया माइनस में बी टू कितना हो गया बेटा माइनस थ्री बाय टू या फिर क्या होगा माइनस फाइव वन पॉइंट फाइव मीटर पर सेकंड तो नेगेटिव साइन यहाँ पे बेटा क्या इंडिकेट कर रहा है कि आपने जिस डायरेक्शन में पिस्टल को मूव किया है बुलेट उसकी अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है तो दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है यही माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है ओके तो इस इस तरीके से आपको टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है तो एक दो क्वेश्चनिटी ऑफ फाइव मीटर पर सेकेंड ओके तो सबसे पहले हम गर्ल का एग्जाम्पल लिया है गर्ल का मास गिवन है फोर्टी के जी और वो किस वेलोसिटी से जंप कर रही है फाइव मीटर पर सेकेंड ओके ऑन टू अ स्टेशनरी कार्ट ओके विद अ फ्रिक्शनल लेस व्हील किस 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 वैलोसिटी से वो मूव कर रही है फ्रिक्शनल लेस व्हील पे स्टेशनरी कार्ट है स्टेशनरी कार्ट है फ्रिक्शनल लेस व्हील है तो मतलब वो जिसपे मूव कर रही है उस पर तो कोई फ्रिक्शन नहीं है अब अगर हम यहाँ पे कार्ट की बात करें तो कार्ट की ये इनिशियल वेलोसिटी गिवन है इसकी ठीक है गर्ल का मास कितना है 40 के और वो किस पे जंप कर रही है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से 5 मीटर पर सेकंड क्योंकि स्टार्टिंग था तो कुछ दिया नहीं है इसके बाद जाती है वो स्टेशनरी कार्ट पे जंप करने के लिए जिसपे उसका मास है बेटा थ्री के और वो स्टेशनरी कार्ट है तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी जीरो होगी कि नहीं होगी क्योंकि कार्ट क्या है स्टेशनरी है तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई बेटा जीरो हो गई ओके तो ये तो था अभी कुछ प्रोसेस हुआ ही नहीं है ओके अब इसके बाद जैसे ही कार्ट स्टार्ट करना मूव करता है तो अभी तो ये बिफोर स्टार्ट प्रोसेस है जब कार्ट स्टार्ट नहीं हुआ है तो इसका मोमेंटम हम कैलकुलेट कर ले इसका मोमेंटम कितना होगा m1u1 m2u2 ठीक है ये हम सबसे पहले कैलकुलेट करते फर्स्ट केस में कौन सा केस है जब ये कार्ट है हमारा स्टार्ट नहीं हुआ है तो एम वन इज फोर्टी के जी एंड यू वन इज फाइव मीटर पर सेकेंड एम टू इज थ्री के जी एंड यू टू इज जीरो ओके तो फाइव फोर्जा ट्वेंटी और ये हुआ टू हंड्रेड ओके तो हमने जो मोमेंटम को कैलकुलेट किया जैसे ही कार्ट स्टार्ट नहीं हुआ था कितना आया था 200, 200. आगे आप इसमें देख सकते हैं कि इस तरीके से हमने मोमेंटम पे सबसे पहले कैलकुलेट किया क्या कैलकुलेट किया है इनिशियल मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम है ठीक है यहाँ पे आपको यूनिट लिखना बहुत जरूरी है मोमेंटम की यूनिट क्या होती है के मीटर पर सेकेंड अभी तक यूनिट नहीं लिखी थी इनिशियल मोमेंटम हमारा कितना आया अब अब हम देखते हैं जैसे ही कार्ट स्टार्ट है? okay. कार्ट स्टार्ट जैसे ही ही हुआ हुआ. उसके बाद कैसे होता है तो उसकी वैलोसिटी कितनी होगी तो सबसे पहले गर्ल है उसका मास भी स्टडी करते हैं मतलब फिर से लेते हैं सेकंड केस में मास तो सेम रहेगा काट का मास है वो भी सेम रहेगा अब हम आते हैं इसकी वेलोसिटी पे तो बेटा देखो लड़की है चाहे कार्ट है लड़की कार्ड के ऊपर होगी तो दोनों की फाइनल वेलोसिटी सेम होगी दोनों की फाइनल वेलोसिटी थोड़ी ना चेंज होगी तो दोनों की वेलोसिटी हम वी ले लेते हैं क्योंकि सेम है अब आफ्टर जैसे ही हमारा कार्ट स्टार्ट हुआ उस टाइम मोमेंटम कितना हुआ एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू एम वन कितना है फोर्टी के जी वी की जगह हमने वी लिया एम टू कितना है थ्री के जी वी की जगह वी लिया फोर्टी प्लस थ्री कितना हो गया फोर्टी थ्री तो इनिशियल मोमेंटम हमें कितना मिला टू हंड्रेड फाइनल मोमेंटम कितना मिला हमें फोर्टी थ्री भी ठीक है यही मिला हमें ठीक है यही हमारी बेसिक इक्वेशन है जो हमें आना चाहिए इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम को इक्वेट करना है तो इससे हमारी फाइनल वेलोसिटी कितनी निकल जाएगी टू हंड्रेड बाई फोर्टी थ्री आप डिवाइड करोगे आपको कितना मिला फोर पॉइंट मीटर पर सेकेंड तो इस तरीके से हमें इन को सॉल्व करना है अब हम आते हैं नाइन पॉइंट में टू हॉकी प्लेयर्स ऑफ टीम अपोजिटी ट्राइंग टू हिट अ हॉकी बॉल ऑन द ग्राउंड कोलाइड एंड इमिडिएटली इंटे बिकम इंटैंगल ओके तो यहाँ पे अफकोर्स हॉकी प्लेयर्स की बात करी जा रही है तो उसका डेटा लिखते हैं तो जो एक है बेटा उसके पास मास कितना है बॉडी के पास एम वन कितना है सिक्सटी के जी है इसके बाद वो किस वेलोसिटी से मूव कर रही है बेटा इनिशियल वेलोसिटी उसकी कितनी है फाइव मीटर पर सेकेंड से मूव कर रही है ओके अब जो सेकेंड वन जो मूव कर रही है जो सेकेंड बॉडी बॉडी है जो मूव कर रही है उसका मास कितना है बेटा उसका मास है फिफ्टी फाइव के जी एंड वो किस वेलोसिटी से मूव कर रही है सिक्स मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रही है ओके okay? तो ये तो हमारा डेटा हो गया इनिशियल बट आपने एक चीज ध्यान से पढ़ी यहाँ पर एक चीज़ जो समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है टू हॉकी प्लेयर हैं अपोजिट टीम के हैं तो अगर एक लेफ्ट टू राइट बॉल को किक कर रहा है तो दूसरी साइड से क्या होती है अपोजिट डायरेक्शन में आता है तो ये जो यूटी की डायरेक्शन है अपोजिट हो जाएगी क्योंकि अभी जो फोर्स लग रहा है वो किधर लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है ओके okay, तो इस इक्वेशन से सबसे पहले हम क्या करते हैं इनिशियल मोमेंटम कैलकुलेट करते हैं तो वंस अगेन फॉर्मूला क्या है एम वन यू वन प्लस एम टू यू टू तो ये हो गया हमारा इनिशियल मोमेंटम एम वन इज सिक्सटी यू वन इज फाइव एम टू इज फिफ्टी फाइव ओके ये सॉरी साइन आएगा माइनस का क्योंकि बॉल क्या है अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है तो इस चीज का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि साइन नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा अगर बॉल कोलाइड करके अपोजिट साइन में आ रही है तो ऑफकोर्स वैलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में आई इसीलिए साइन नेगेटिव का आया है मास कितना है फिफ्टी फाइव के जी और यू टू कितना है सिक्स आगे सॉल्व करते हैं फिफ्टी सिक्स जा थर्टी तो ये हो गया एक और जीरो थ्री हंड्रेड एंड फिफ्टी फाइव सिक्स जा तो सिक्स फाइव जा थर्टी ये थ्री आया एंड सिक्स फाइव अगेन थर्टी तो ये हो गया थ्री थर्टी अब अगर थ्री थर्टी में से थ्री हंड्रेड माइनस करेंगे तो कितना आया थर्टी क्या हुआ थर्टी माइनस थर्टी के जी मीटर पर सेकेंड तो हमें इनिशियल मोमेंटम कितना मिला माइनस थर्टी के जी मीटर पर सेकेंड अब हम क्वेश्चन को आगे रीड करते हैं तो ये तो इनिशियल डेटा था जो हमने रीड किया एंड देन स्टार्टिंग में हमने कैलकुलेट कर लिया अब देखिए आगे क्वेश्चन में क्या गिवन है ओके इन विस डायरेक्शन एंड विद वॉट वैलोसिटी विल दे मूव आफ्टर दैट बिकम इन टैंगल तो ये जस्ट एग्जाम्पल बॉल का ही कंसेप्ट है सबसे पहले यहां पर आपने देखा है एक हॉकी प्लेयर है दो बॉल लेते हैं ठीक है एक अपोजिट डायरेक्शन में मारते हैं तो एक बॉल इधर आई दूसरी बॉल इधर आई दोनों इन टैंगल हुई एंड ऑफकोर्स इसके बाद इनकी वैलोसिटी क्या होगी चेंज हो जाएगी और हमें ये फाइंड आउट करना है वो किस डायरेक्शन में मूव कर रही है तो इसीलिए हमने इनिशियल मोमेंटम तो कैलकुलेट कर दिया है इसके बाद हम क्या करेंगे फाइनल मोमेंटम तो फाइनल मोम

v तो हमारे पास है ही नहीं तो ये v की वन की जगह v पुट अप कर दिया m2 की वैल्यू दूसरी बॉडी का मास कितना है 55 है एंड इसकी वैलोसिटी भी हमें पता नहीं है तो 60 प्लस 55 कितना हो गया 115 v फिफ्टीन बी ओके कितना यहाँ पे के जी अब सॉरी यूनिट ले लेते हैं ये तो जो v है दैट इज द वेलोसिटी आगे आ गया के जी मीटर पर सेकेंड तो हमारे पास फाइनल मोमेंटम है इनिशियल मोमेंटम है हम क्या करते हैं दोनों को इक्वल करते हैं तो माइनस है माइनस थर्टी डेल पी टू कितना है वन हंड्रेड फिफ्टीन वी अब हमें क्या करनी है फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है तो कितना हो गया माइनस थर्टी बाई वन वन फाइव अब आगे आपको डिवाइड करना है आप जैसे ही डिवाइड करोगे आपको आंसर मिलेगा माइनस जीरो 0.26 मीटर पर सेकंड तो इस तरीके से हमने एग्जांपल नंबर 9.8 को सॉल्व किया अब हम आते हैं कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस पे वन बाय वन सॉल्व करते हैं ताकि हमारे सारे डाउट्स इसके अच्छे से क्लियर हो जाए तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ इफ एक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू रिएक्शन एक्सप्लेन हाउ अ हॉर्स कैन पुल अ कार्ट ओके अगर एक्शन फोर्स हमेशा रिएक्शन फोर्स के इक्वल होता है तो जो हॉर्स है वो कार्ट को क्यों पुल कर लेता है बिकॉज ऑफ बेटा हमने ये पढ़ा है कोर्स एवरी एक्शन फोर्स हैज़ अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन बट दोनों के दोनों क्या लग रहे हैं डिफरेंट बॉडीज पे लग रहे हैं दोनों क्या लग रहे हैं डिफरेंट बॉडीज पे लग रहे हैं हॉर्स कार्ट पे लगा रहा है तो कार्ट हॉर्स पे लगा रहा है दोनों हो गए अपोजिट डायरेक्शन में अब अगर दोनों फोर्सेज ही अपोजिट डायरेक्शन पे है तो ऑफकोर्स जो हॉर्स है वो इजिली कार्ट को पुल कर सकता है अब हम आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे वाई इट इज डिफिकल्ट फॉर अ फायर मैन टू होल्ड अ होज लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर एट हाई वेलोसिटी तो देखिये यहां पर हमें ये पता है एवरी एक्शन हैज हैजक्वल एंड अपोजिट एक्शन तो देखिए जो फायरमैन है फायरमैन जिसके हाथ में क्या होता है पानी का पाइप होता है बहुत इजी लैंग्वेज में ओके okay? और आगे क्या होता है एक होल होता है जिसके थ्रू पानी निकलता है उसी को हमने क्या बोला है होज बोला है इस होज से क्या होगा पानी बहुत स्पीड से फायर पे जाएगा और फैल जाएगा लेकिन देखो होता क्या है यहाँ पर होज मैन जो फायरमैन है उसके लिए इस टाइप का वायर पकड़ना काफी डिफिकल्ट होता है क्यों क्योंकि देखो पानी की वेलोसिटी काफी हाई स्पीड से आगे जा रही है ठीक है तो ये हुआ एक्शन फोर्स कौन सा फोर्स एक्शन फोर्स की जो पानी ऊपर जा रहा है बट ये जो पानी ऊपर जा रही है उतना की उतना अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन फोर्स तो लगाएगा और रिएक्शन फोर्स किस में लगेगा वो फायरमैन की बॉडी पे तो जो फायरमैन की बॉडी है उसको पाइप छूटता है क्योंकि उसके हाथ में फोर्स लगता है ओके तो नाउ यू कैन से न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन दैट एवरी एक्शन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होस लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर एट हाई पाइपिटी जो होस पाइप होते हैं बहुत ज्यादा अमाउंट में वाटर निकालते हैं हाई वालोसिटी के साथ तो इसका क्या मिलता है हमें बैकवर्ड रिएक्शन फोर्स मिलता है जितना वर्ड डायरेक्शन में एक्शन फोर्स लग रहा है पानी के ऊपर उतना ही बैकवर्ड रिएक्शन फोर्स लगता है जिस अमाउंट में पानी निकल रहा है तो इसके लिए जो फायरमैन की स्टेबिलिटी है बहुत कम हो जाती है और उसके लिए पकड़ना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे फ्रॉम अ राइफल ऑफ मास 4 kg a bullet of mass 50 gram is fired with initial velocity of 35 m पर सेकेंड ओके कैलकुलेट द इनिशियल रीकॉल वेलोसिटी ऑफ द रिफल तो वंस अगेन हमारा कंसेप्ट इज सेम एम वन यू वन प्लस एम टू यू टू इक्वल टू एम वन वी वन एम टू वी टू तो यहां पर अगर हम देखें कि जो इनिशियल मास है कितना गिवन है 4 kg जी है सेकेंड बॉडी है जो यहां पर अगर हम देखेंगे सेकेंड बॉडी है तो फर्स्ट इज द राइफल सबसे पहले काम करते टेबल बना लेते हैं ताकि कोई दिक्कत नहीं रहे तो so, एक तो हो गई बुलेट ठीक है और एक हो गई हमारी राइफल ठीक है तो जो राइफल है उसका मास कितना है फोर के जी है तो राइफल के मास को एम वन ले, ले लेते हैं दैट इज फोर के जी और उसके बाद जो बुलेट का मास है दैट इज एम टू उसको हमने ले लिया फिफ्टी ग्राम तो ये हो गया फिफ्टी बाय थाउजेंड के जी ओके okay, क्योंकि ग्राम को किलोग्राम में बदलना है तो थाउजेंड का डिवाइड करना पड़ेगा इज फायर विद इनिशियल वेलोसिटी ऑफ थर्टी मीटर पर सेकंड और वो किस तरीके से फायर हो रही है थर्टी फाइव मीटर पर सेकंड से फायर हो रही है तो इनिशियल वेलोसिटी तो बेटा जीरो होगी दोनों के केस में तो इसकी भी इनिशियल जीरो है इसकी भी इनिशियल क्या होगी जीरो होगी अब जैसे ही उसको फायर किया जैसे ही उसको फायर किया तो जो उसकी वैलोसिटी है किसकी वैलोसिटी बताई है अभी आपको बुलेट की तो जो बुलेट की वैलोसिटी है ये रही हमारी बुलेट बुलेट की वैलोसिटी बताई है थर्टी फाइव मीटर पर सेकेंड और आपको किसकी वैलोसिटी कैलकुलेट करनी है कैलकुलेट द इनिशियल रिकॉल वैलोसिटी ऑफ द राइफल अब हम क्या करेंगे राइफल की वैलोसिटी को कैलकुलेट कर लेंगे केवल इसी फॉर्मुले से ही एम वन यू वन प्लस एम टू यू टू इक्वल टू एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू वैल्यूज पुटअप करते हैं एम वन की कितनी है बेटा फोर U1 की कितनी है U, U1 की इट्स जीरो ठीक है इसके बाद हम आते हैं m2 पे, तो m2 कितना है 50 बाई थाउजेंड एंड u2 भी कितना है जीरो तो आप अगर इसे सॉल्व करेंगे तो जो इनिशियल मोमेंटम है वो तो हो गया जीरो अब हम आते हैं फाइनल मोमेंटम पे तो m1 कितना है यहाँ पे फोर एंड इसके बाद जो v1 है जो राइफल का है वही तो हमें कैलकुलेट करना है तो ये हो गया फोर बी प्लस सेकेंड बॉडी का मास कितना है फिफ्टी बाय थाउजेंड एंड इसकी वैलोसिटी कितनी है थर्टी फाइव ये यहाँ पे v1 ले रहे हैं तो ये भी वन की टर्म में ही आएगा ना ताकि कोई मिस्टेक ना रहे है. और जो v2 है वो हमें क्या दी गई वन है थर्टी फाइव मीटर पर सेकेंड हमने एज इट इज़ वैल्यू पुटअप कर दी तो क्या है फोर वी फिफ्टी बाई

टू ऑब्जेक्ट ऑफ मास हंड्रेड ग्राम एंड टू हंड्रेड ग्राम तो यहाँ पे दो बॉडीज गिवन है एक बॉडी का मास है हंड्रेड ग्राम एंड सेकेंड बॉडी का ग्राम है मास है टू हंड्रेड ग्राम आर मूविंग अलोंग विद द सेम लाइन एंड डायरेक्शन विद वेलोसिटी तो जो फर्स्ट बॉडी है ये मूव कर रही है किससे 2 मीटर पर सेकंड से एंड जो सेकंड बॉडी है वो मूव कर रही है 1 मीटर पर सेकंड से डेकोलाइड अब इनमें क्या हुआ कोलिजन हुआ कोलिजन के बाद जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है वो तो किस वेलोसिटी से मूव कर लेता है 1.67 मीटर पर सेकंड की स्पीड से हमें क्या करना है सेकंड ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है तो वंस अगेन वी विल यूज द सेम फार्मूला m1u1 m2u2 सेम फार्मूला यूज करेंगे एम वन यू वन प्लस एम टू यू टू इक्वल टू एम टू सेम वे अब हम लिखेंगे फाइनल वेलोसिटी के लिए वॉट हैपन विद मैं इस पूरी टर्म को इधर ही काट देती हूँ एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू अब हम पुट अप करते हैं वॉट इज द वैल्यू ऑफ एम वन हंड्रेड ग्राम यू वन की वैल्यू कितनी है टू मीटर पर सेकेंड प्लस एम टू यू टू 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 हंड्रेड मल्टीप्लाई बाई वन इक्वल टू एम वन वी वन एम वन की वैल्यू हंड्रेड वी वन की वैल्यू वन पॉइंट सिक्स वन प्लस एम टू की वैल्यू टू हंड्रेड एंड जो ये वाली पॉइंट है वी फोर ये जो वी टू है ये हमें कैलकुलेट करना है ओके तो यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे हंड्रेड मल्टीप्लाई बाई टू तो कितना हुआ टू हंड्रेड प्लस टू हंड्रेड फोर हंड्रेड आगे यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो वन पॉइंट सिक्स सेवन मल्टीप्लाई बाई हंड्रेड कितना हो गया वन सिक्सटी सेवन एंड इधर कितना आया टू हंड्रेड टू okay, ओके तो यहाँ पर टू हंड्रेड टू है और वन सिक्सटी सेवन को लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो फोर हंड्रेड माइनस वन सिक्सटी सेवन कितना हुआ टू थर्टी थ्री तो टू हंड्रेड टू की वैल्यू कितनी मिली 233 मिली यहाँ से V2 की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी 1.165 क्योंकि ये 233 है इसमें 200 का डिवाइड करेंगे आपको मिलेगा 1.165 आप सॉल्व करके देखिएगा यू विल गेट योर आंसर तो आज की क्लास में हमने न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन कंप्लीट किया एक्चुअली ये चैप्टर फिनिश हो चुका है काफी छोटा सा चैप्टर था और काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर था तो इसे आपको बहुत अच्छे से करना है मुझे फीडबैक में बताइएगा हाउ डिड यू फाइंड दिस चैप्टर मिलते हैं इसकी एक्सरसाइज क्वेश्चन के साथ टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज क्लिक टू सब्सक्राइब बाय ऑल